Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 5, Scene 1. And this is the last act. So I hope कि आपको अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा. और अगर हाँ तो please press the like button and please share with your friends and please press the bell icon to get instant notifications of all my videos. So without wasting any more time, and a very special request to my non-subscribers, please subscribe to my channel. So now let's begin. Act 5, Scene 1. यहाँ पे टचस्टोन और ऑड्रे का कॉन्वर्सेशन है, काफ़ी ह्यूमरस है, यू कैन से दैट. इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सीन, बिकॉज इस सीन में सिर्फ ही मतलब ये सीन थोड़ा लाइट सीन है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी वो हुआ ना कि ऑरलैंडो का ब्लड देखा, ये हुआ वो हुआ. तो इस सीन में थोड़ा शेक्सपियर थोड़ा लाइट किया ताकि ऑडियंस को थोड़ा एक थोड़ा लाइट हार्टेड भी फील हो, पूरा इंटेंस नहीं होना चाहिए. कोई भी मूवी अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें सब सीन इंटेंस नहीं होता, बीच बीच में कहीं ना कहीं कॉमेडी होती है. तो वैसे ही तो यहाँ पर टचस्टोन और ऑड्रे का और उसमें एक और कैरेक्टर आता है विलियम, तो एक कॉमेडी सीन है. टचस्टोन, वी शैल फाइंड द टाइम ऑड्रे, पेशेंस जेंटल ऑड्रे. वी शैल फाइंड अ टाइम क्या चीज़ के लिए, टू गेट मैरिड. तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे टू गेट मैरिड ऑड्रे. बी पेशेंट, सब्र रखो. तो ऑड्रे कहती है, फेथ द प्रीस्ट वॉज गुड इनफ. तो प्रीस्ट अच्छे थे. फॉर ऑल द ओल्ड जेंटलमैन सेंग्स, फॉर ऑल मतलब नो मैटर, फॉर ऑल द मतलब नो मैटर वट द जेंटलमैन हैज सेड. ओके, टच स्टोन. अ मोस्ट विकेट सर ऑलिवर. ऑड्रे, नो, बहुत विकेट था ऑड्रे. बट अ मोस्ट वाइल्ड मार्टेक्स. बट ऑड्रे, देर इज़ अ यूथ हियर इन द फॉरेस्ट. या कोई एक इंसान है यहाँ पे फॉरेस्ट में. लेस क्लेम टू यू. क्लेम मतलब वो ऐसा कहता है कि तुम उसकी हो. ऑड्रे, आई नो हु इट इज़. ही हैथ नो इंटरेस्ट इन मी इन द वर्ल्ड. ही हैज़ नो इंटरेस्ट मतलब ही कैन नॉट क्लेम ऑन मी. ओके, एंटर विलियम. हियर कम्स द मैन यू मीन. हियर कम्स द मैन मतलब हियर कम्स द मैन हु मीन मतलब हु हिमसेल्फ हिज कॉलिंग द मतलब या ये आया वो इंसान जो तुमको अपना बता रहा है. कौन वो है? विलियम. टचस्टोन, इट इज मीट एंड ड्रिंक टू मी टू सी अ क्लाउन. मीट एंड ड्रिंक मतलब हम लोग मीट और ड्रिंक को बहुत प्लेजर समझते हैं ना. तो वही कैरेक्टर्स वॉट वेरी वार्म टू मी. तू मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है, अच्छा फील हो रहा है मुझे. तो मैं ऐसा क्लाउन को देख रहा हूँ. कंट्री उसको एक क्लाउन समझ रहा है वो. ठीक है, बाय माय ट्रॉथ वी दैट हैव गुड विट्स हैव मच टू आंसर फॉर. मतलब हैव मच टू आंसर फॉर मतलब कि हम लोगों के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए. वी शैल बी फ्लाउटिंग. वी कैन नॉट होल्ड. वी कांट हेल्प. वी शैल बी फ्लाउटिंग मतलब हम लोग का होगा, हम लोग का मैस होगा लाइकिंग्स के ऊपर. ठीक है, हम लोग का क्या कॉन्वर्सेशन चलेगा. तो विलियम कहते हैं गुड इवनिंग ऑड्रे. तो ऑड्रे कहती है गुड इवनिंग विलियम. विलियम कहते हैं एंड गुड इवनिंग टू यू सर. टचस्टोन, गुड इवनिंग जेंटल फ्रेंड. और वो ना अपने हैट को गिराते हैं. तो बोलते नो नो, कवर दाई हेड, कवर दाई हेड. ने प्रीदी बी कवर्ड, कवर्ड. हाउ ओल्ड आर यू फ्रेंड. तो उससे फिर पूछते कितने क्या उम्र है तुम्हारा. तो विलियम कहते हैं 25 सर, मतलब 25 सर. टचस्टोन, अ राइप एज. इज थाई नेम विलियम. क्या तुम्हारा नाम विलियम है? विलियम कहते हैं यस सर. टचस्टोन, अ फेयर नेम, अच्छा नाम है. वर्स्ट बॉर्न इन द फॉरेस्ट हियर. तो क्या तुम इसी फॉरेस्ट में हो, मतलब तुम्हारा यहीं पे जन्म हुआ है? विलियम, ए सर आई थैंक गॉड. हाँ, मैं थैंक करता हूँ गॉड का. टचस्टोन, थैंक गॉड, अ गुड आंसर. आर्ट रिच. आर्ट रिच मतलब आर यू रिच. विलियम, फेथ सर, सो सो. टचस्टोन, सो सो इज गुड, वेरी गुड, वेरी एक्सलेंट गुड. मतलब सो सो तो आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा. एंड येट इट इज़ नॉट, तब भी नहीं है, गुड नहीं बोल सकते, बट सो सो, बट ठीक है. आर्ट दाउ वाइज, क्या तुम वाइज हो? विलियम, ए सर आई हैव अ प्रिटी विट. हाँ, विट है मेरे पास, थोड़ा विजडम है मेरे अंदर. टचस्टोन, वाई दाउ सेस्ट वेल. आई डू नाउ रिमेंबर अ सेइंग. हमको एक सेइंग हमेशा याद है कि द फूल डॉट थिंक ही इज़ वाइज. जो फूल जो खुद को समझते हैं कि एक मुहावरा है, वो बोलते हैं कि हमेशा ऐसा होता है कि फूल्स जो है खुद को वाइज समझते हैं. ठीक है,
और जो वाइस मैन होते हैं नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल, और वो लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग तो फूल हैं, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक, ऐसा होता है, इट्स ट्रू। जो लोगों को कम समझदारी होती है वो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, और जिनको समझदारी होती है ना वो प्रिटेंड नहीं करते, वो कहते नहीं नहीं हमको कुछ समझ में नहीं आया एंड ऑल दैट। तो ऐसा होता है, तो वही चीज़ वो कह रहे हैं, वो उसको इनडायरेक्टली फूल कह रहे हैं। ठीक है, विलियम को द हीदन फिलोसोफर, हीदन मतलब जो सेल्फ डिस्क्राइब फिलोसोफर, इसको कोई फिलोसोफर मान नहीं रहा पर वो खुद को मान रहे हैं। वेन ही हैड अ डिज़ायर टू ईट अ ग्रेप, जब उसको एक डिज़ायर हुआ कि उसको एक ग्रेप खाना है, वुड ओपन हिज लिप्स वेन ही पुट इट इन टू हिज माउथ, अपने माउथ के अंदर में, मीनिंग देयर बाय दैट ग्रेप्स वर मेड टू ईट एंड लिप्स टू ओपन। तो वो एक फिलोसफी बना दिया कि अच्छा लिप्स जो है वो ओपन होने के लिए बना, ग्रेप्स जो है वो खाने के लिए बना। ये कोई फिलोसफी नहीं है, इसमें हम लोग को ही पता है, इट्स अ जोक। ठीक है, बट यू डू, उसके बाद वो कहते हैं, पूछने के बाद यू डू लव दिस मेट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो? विलियम, आई डू सर, हाँ, टच स्टोन। तो वो कहते हैं गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दो। और फिर पूछते आर्ट दाउ लर्न्ड, क्या तुम एजुकेटेड हो? विलियम, नो सर, टच स्टोन। देन लर्न दिस ऑफ मी, तब ये समझ जाओ टू हैव इज टू हैव, टू हैव मतलब इफ़ यू हैव समथिंग यू हैव इट, अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो वो तुम्हारी है, अगर वो नहीं है तो वो तुम्हारी नहीं है। फॉर इट इज़ अ फिगर इन रेटोरिक दैट ड्रिंक, जो ड्रिंक है सपोज उसको हम लोग पोर्ड किया आउट ऑफ अ कप इन टू अ ग्लास, मतलब एक कप से जब हम लोगों ने उसको ग्लास में डाला तो क्या हुआ, कप तो खाली हो गया और ग्लास भर गया। तो वही वो मिसाल कहते हैं, बाई फिलिंग द वन डॉट एम्प्टी द अदर, हम लोग एक को फिल किया तो एक को एम्प्टी कर दिए। फॉर ऑल योर राइटर्स डू कंसेंट कंस्टेंट दैट इप्सी इज ही, इप्सी मतलब एक लैटिन वर्ड है ही का, नाउ यू आर नॉट इप्सी फॉर आई एम ही, अब तुम नहीं हो अब वो मैं हूँ। तो विलियम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं विच ही इज, क्या सर, विच ही सर, टच स्टोन, ही सर दैट मस्ट मैरी दिस वुमेन, अब वो कहते हैं वो कौन जो इस औरत से शादी कर सकता है, देयरफॉर यू क्लाउन अबैंडन, जाओ यहाँ से, विच इज इन द वल्गर, हम उसको अगर कॉमन लैंग्वेज में कहे तो मैं कहूँ तुमको लीव द सोसाइटी विच इन द बुरिश इज कंपनी, तो मतलब हम लोगों की कंपनी, एक सोसाइटिकल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो ये हमारा जो कंपनी है ऑफ दिस फीमेल विच इज़ द कॉमन इज वुमेन, मतलब एक बहुत ही एलैबोरेट करके वो कहते हैं कि वुमेन विच टुगेदर इज अबैंडन द सोसाइटी ऑफ दिस फीमेल, तुम उसको छोड़ दो यहाँ से चले जाओ, और क्लाउन द पेरिशिस्ट, पेरिशिस्ट मतलब तुमको पेरिश कर देंगे हम, और टू डाई बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसके अच्छे अगर हम लव्स में कहें तो डाइस्ट मतलब तुमको हम मार देंगे, और टू विट आई किल दी, और अगर अच्छे से तुमको समझना है तो मैं तुमको मार दूंगा, मेक दी अवे ट्रांसलेट दाई सेल्फ इन टू डेथ, ट्रांसलेट मतलब अपने आप को यहाँ दाई लिबर्टी इन टू बॉन्डेज, तो अपने आप को बॉन्डेज में मत डालो, अपनी फ्रीडम को ख़त्म मत करो, आई विल डील इन पॉइजन विद दी और इन बैस्टिनाडो और इन स्टील, बैस्टिनाडो मतलब स्वॉर्ड से। ठीक है, आई विल बैंडी विद दी इन्फेक्शन, बैंडी मतलब मैं तुमको अपने आई विल ओवर रन दी विद पॉलिसी, पॉलिसी यहाँ पर क्लेवरनेस से, हम तुमको अपनी क्लेवरनेस से तुमको तुमको अपने झांसे में फंसा लेंगे, आई विल किल दी 150 वेज, 150 मतलब 350 वेज से मैं तुमको मारूंगा, देयरफॉर ट्रेम्बल एंड डिपार्ट, ट्रेम्बल मतलब डर जाओ और यहाँ से चले जाओ। ऑड्रे कहते हैं डू गुड विलियम, तो वो कहते हैं डू व्हाट ही सेज, तो ऑड्रे कहती है विलियम वही करो जो ये कह रहा है, तो विलियम डर जाते हैं, वो कहते हैं गुड रेस्ट यू मेरी, तो वो कहते हैं ओके रेस्ट यू फेयरवेल सर, अब वो वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। फिर कॉरिन आते हैं, कॉरिन आवर मास्टर्स एंड मिस्ट्रेस सीक्स यू कम अवे कम अवे, तो हमारे जो मास्टर और मिस्ट्रेस थे आपको ढूंढ रहे, लेट्स गो। तो टस्टोन ट्रिप, टस्टोन कहते हैं हरी अप ऑड्रे, ट्रिप हरी ऑड्रे, आई अटेंड, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, उसके बाद वो लोग एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ से ये सीन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आता है एक्ट 5 सीन 2, जहाँ पे आपको पता चलेगा इसके बाद और आगे क्या होगा। ओके, सो मैं आपके बहुत जल्द कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की, सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।